स्वागत है दोस्तों आप सभी का सिविल स्ट्रिप यूट्यूब चैनल के एक और नई वीडियो में। तो दोस्तों इस वीडियो में हम सेंटर ऑफ ग्रेविटी से रिलेटेड प्रॉब्लम डिस्कस करने वाले हैं। तो दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए एंड चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो स्टूडेंट्स हमारा क्वेश्चन है फाइंड द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ एन अनइक्वल एंगल सेक्शन ऑफ साइज 100 mm बाय 80 mm बाय 20 mm। तो यहाँ पर हमें एक अनइक्वल एंगल सेक्शन दिया हुआ है जिसके डायमेंशन हमें गिवन है। तो आंसर को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये जो हमारा बॉटम वाला पोर्शन है उसे हम 1 कंसिडर करते हैं एंड जो ये ऊपर वाला वर्टिकल पोर्शन है उसे हम सेकंड कंसिडर करेंगे। एक कोऑर्डिनेट एक्सिस हम यहाँ पर कंसिडर कर लेते हैं तो वो मैं ड्रॉ कर लेता हूँ। सो ये वाला हो गया हमारा एक्स एक्सिस एंड ये वाला हो गया वाई एक्सिस। सो सबसे पहले हम ये जो हमारा बॉटम वाला रेक्टेंगल है उसके लिए डिस्टेंसेस फाइंड करते हैं। सबसे पहले इसका एरिया A1। तो देखिए एरिया क्या होगा, रेक्टेंगल का एरिया 20 mm बाय 80 mm। सो 20 बाय 80, सो इसकी वैल्यू हो जाएगी 1600 mm स्क्वायर। देन X1, तो X1, सो ये जो रेक्टेंगल है इसका X1 डिस्टेंस होने वाला है लेंथ बाय 2। सो यहाँ पर लेंथ है रेक्टेंगल की 80 mm ओवर 2। सो यहाँ पर हमें X1 मिल गया 40 mm। नेक्स्ट Y1, नेक्स्ट रेक्टेंगल का जो Y1 डिस्टेंस होने वाला है वो होगा हाइट बाय 2 एंड यहाँ पर हाइट है रेक्टेंगल की 20 mm। सो हाइट बाय 2, सो 40 ओवर 2, 20 mm हो गया। तो यहाँ पर हमने फर्स्ट रेक्टेंगल के लिए जो भी रिक्वायर्ड वैल्यूज थी वो हमने फाइंड कर लिए। नाउ सेकंड फिगर के लिए A2, उसका एरिया होगा 80 mm, उसकी हाइट है एंड विड्थ है उसकी 20 mm। सो 80 बाय 20, 1600 mm स्क्वायर। देन ये जो हमारा वर्टिकल मेंबर है, वर्टिकल रेक्टेंगल है, उसका X1 डिस्टेंस, सो फ्रॉम वाई एक्सिस टू सेंट्रोइड, ये जो वर्टिकल रेक्टेंगल है उसका जो सेंट्रोइड होगा सो उसका एंड वाई एक्सिस के बीच का जो डिस्टेंस होने वाला है X1, उसकी वैल्यू होगी विड्थ बाय 2, विड्थ है इसकी 20 mm। सो 20 बाय 2, सो ये हो गया 10 mm। ओके नाउ नेक्स्ट वन, सॉरी यहाँ पर X2 होगा Y2। सो Y2 अभी देखिए हमें टोटल डिस्टेंस फाइंड करना है, ये जो हमारा वर्टिकल रेक्टेंगल है उसका सेंट्रोइड एंड जो हमारा एक्स एक्सिस है, सो फ्रॉम एक्स एक्सिस टू सेंट्रोइड वो टोटल डिस्टेंस हमें फाइंड करना है। बट यहाँ पर देखिए ये जो रेक्टेंगल है उसका Y2 होने वाला है 80 बाय 2, ठीक है। सो यहाँ से लेकर के सेंट्रोइड तक का डिस्टेंस वो होगा 80 बाय 2 प्लस उसमें हमें ये 20 mm भी ऐड करना पड़ेगा क्योंकि तो देखिए दोस्तों ये जो डिस्टेंस होने वाला है ये होगा 80 बाय 2, यहाँ पर मैंने लिखा है एंड उसमें हमें ये 20 mm ऐड करना पड़ेगा क्योंकि हम सेंट्रोइड एक्स एक्सिस से निकाल रहे हैं। सो प्लस 20 कर देते हैं, सो ये हो जाएगा 80 बाय 2, 20 प्लस 20, सो 60 mm। तो यहाँ पर हमें सारी वैल्यूज़ मिल गए हैं, अब हमें सिर्फ फॉर्मूले में वैल्यू पुट करके आंसर फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम X1 डिस्टेंस फाइंड करेंगे, सॉरी X बार। तो X बार के लिए हमारा फॉर्मूला होगा A1 X1 प्लस A2 X2 ओवर A1 प्लस A2। सो X बार इंटू X1 की वैल्यू है 40 mm प्लस A2 है हमारे पास 1600 इंटू X2 की वैल्यू है हमारे पास 10 mm होल डिवाइडेड बाय A1 1600 प्लस 1600। तो दोस्तों अगर हम इसे कैलकुलेट करते हैं तो हमारे पास वैल्यू आती है 25 mm। सिमिलरली अब हम वाई बार की भी वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। सो वाई बार के लिए फॉर्मूला होगा, सो एरिया 1 है 1600 इंटू Y1 जो डिस्टेंस है वो है 20 mm। एम सॉरी स्टूडेंट्स, यहाँ पर Y1 की जो वैल्यू होने वाली है वो यहाँ पर हाइट बाय 2 है एंड फर्स्ट फिगर के लिए हमारी हाइट है 20 mm, यहाँ पर मैंने 40 mm लिख दिया था, सो 20 mm। सो यहाँ पर हमारा Y1 जो है वो 20 mm आने वाला है। ओके सो यहाँ पर मैं 10 लिखता हूँ प्लस एरिया 2 एज इट इज 1600
इंटू वाई टू जो डिस्टेंस है वो है 60 mm, होल डिवाइडेड बाय 1600 प्लस 1600 इज इक्वल टू। सो स्टूडेंट्स अगर हम इसे कैलकुलेट करते हैं तो हमारा आंसर आता है 35 mm। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर हमने एक्स बाय डिस्टेंस एंड वाई बाय डिस्टेंस फाइंड कर लिया है। सो आई होप स्टूडेंट आपको वीडियो अच्छी लगी हो। तो दोस्तों इसके प्रीवियस वीडियोस में हमने सिमेट्रिकल आई सेक्शन, अनसिमेट्रिकल आई सेक्शन के लिए भी एंड ऑल्सो टी सेक्शन के लिए भी सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहाँ पर लाई करेगा वो हमने क्वेश्चन सॉल्व किए। सो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आपको लिंक ऊपर आई बटन में या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। सो आई होप स्टूडेंट आपको वीडियो अच्छी लगी, तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, शेयर कीजिए एंड चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच।